यूपी विधानसभा चुनाव की जिस तरह से तैयारी चल रही है, हम इस वक्त मुरादनगर विधानसभा में हैं और आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। लोगों का समर्थन किधर जा रहा है ये भी आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से समर्थन के लिए लोग अपना पूरा समाज के साथ किस किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इस वक्त प्राइम 80 न्यूज की टीम रावली गाँव में पहुँच चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं किस तरीके से यहाँ चौपाल लगी हुई है और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्राइम 80 न्यूज की टीम ने यहाँ पर सभी लोगों को देखा है, उनसे बातचीत भी करेंगे क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव की बातें बताएंगे, क्या विकास इनको चाहिए क्योंकि शहर में जो विकास की गाथा है वो बिल्कुल साफ तौर पर मिली है। शहर के लोगों ने कहा है कि उनको रोजगार चाहिए, उनको फैक्ट्री चाहिए और उनको काम के लिए अपना एक व्यवसाय चाहिए, लेकिन गांव के लोगों की क्या डिमांड है अपने आने वाले प्रत्याशी से, सबसे पहले वो बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश अदोदा। राकेश जी, गांव रावली है, क्या लगता है विकास कितना है या क्या डिमांड रखी जाएगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव है, प्रत्याशी आ भी रहे हैं, क्या क्या डिमांड रखी जा रही है वैसे? नहीं, हमारे यहाँ डिमांड तो काफ़ी है, देहात है, देहात लगता है, शिक्षा का भी यहाँ अभाव है। शिक्षा एक छोटा सा एक इंटर कॉलेज है यहाँ हमारे यहाँ, आज तक जो केवल बारी तक शिक्षा प्राप्त है लोग बच्चों को, लड़कियाँ बेचारी जो लड़कियाँ हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके डिग्री कॉलेज की बहुत जरूरत है यहाँ हमारे यहाँ। इंटर कॉलेज में एक साइंस की व्यवस्था नहीं है जिससे जो बच्चे इस शिक्षा को लेने के लिए बाहर जाते हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे इंटर कॉलेज में जो साइंस की व्यवस्था होनी चाहिए और जो लड़कियाँ हैं लड़कियों के लिए अगर डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाए, लड़कों के लिए भी डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। अस्पताल के बाद जो छोटे छोटे देहात हैं बाहर भी, वहाँ सब जगह अस्पताल खुल चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ देहात में अभी तक जो अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। आपका जो रावली है वो सेंटर पड़ता है, इधर सुराना पड़ता है, इधर नेकपुर पड़ता है, इधर भी आपके गांव हैं, इधर भी रास्ते में आपके गांव हैं, क्योंकि सारा देहात जो जाता है मुरादनगर या फिर मोदीनगर वगैरह में जाता है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल की तो डिमांड होगी ना फिर भी? नहीं, बड़ा नहीं है, अगर छोटा भी मान लिया 20 बेड का, 30 बेड का, 40 बेड का अगर यहाँ एक छोटा सा अस्पताल बन जाए, हमारे यहाँ इस देहात में रावली कला में एक छोटा सा ऑफिस है, एक टाउन कह दिए कि यहाँ पर एक मार्केट भी है और यहाँ पे आप सब कुछ साधन है, मिल जाता है, लेकिन केवल अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। एक छोटा सा यहाँ क्लिनिक है, वहाँ डॉक्टर वगैरह आते हैं, वहाँ सुविधा नहीं है, उसको कभी दवाई मिल जाती है कभी नहीं मिलती है, तो इससे हम लोगों को जब थोड़ा भी कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, किसी का बच्चा भाई कुछ बड़ा बीमार होता तो यहाँ से मुरादनगर लेने जाना पड़ता, लेकिन यहाँ अगर एक अस्पताल की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं तो यही सबसे अच्छी है कि अस्पताल। प्रत्याशी किसकी सबसे ज़्यादा भारी दिख रहा है? आप मार्केट में रहते हैं, देखते भी हैं, प्रत्याशी का जोर किधर दिख रहा है? नहीं, हमारे यहाँ बीजेपी, जो तुम्हारे अजीत पाल सिंह है वो त्यागी, वो बीजेपी से हैं, आरएलडी से हैं मुन्नी शर्मा, इनके आपस में काफ़ी दोनों का मुकाबला है, यहाँ पे दोनों का ही मुकाबला है और आपस में इनकी कड़ी टक्कर है। ये नहीं है, अभी ये भी लोग नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ बीजेपी जीतेगी या वैसे बात ये आती है कि जिस तरह से मौजूदा विधायक रहे अजीत पाल त्यागी, उनसे ये चीज़ें डिमांड रखी गई, कितना विकास कर पाए वो? नहीं, विकास तो उन्होंने कोई हम कहने लगे अपने 5 सालों में कुछ विकास तो खास किया नहीं उन्होंने, तो आकर अगर देखो तो रावली में तो आकर एक बार भी वो देखे नहीं, एक बार लोगों से ये नहीं जाना कि भाई आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन देखो मैं बीजेपी से सपोर्टर हूँ, मैं पक्का बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, अजीत पाल त्यागी आए या ना आए, लेकिन मैं वोट उनका सपोर्टर पक्का हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा अपने विधायक से कि हमारा जैसे छोटा सा देहात है इसके लिए आए, लोगों से मिलें, इनसे बात करें और जो लोगों की समस्या है वो सुने, तो देखो उनका अपना आप ही सपोर्ट बन जाएगा। देखो हमारी ये सबसे उनसे बस यही है, हाँ हम बीजेपी को जो सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट बन जाएगा, मतलब कि अभी कुछ चीज़ें लग रही हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? सागर विनीत। अच्छा, क्या लगता है युवा हैं आप, रोजगार को लेके या पढ़ाई को लेके क्या आपकी डिमांड है आने वाले प्रत्याशी से? अभी देखिए कोरोना भी हुआ था, लेकिन 3 साल से लगभग कोई भर्ती वगैरह नहीं निकाली है इन्होंने, 3 साल से युवा ठाली घूम रहे हैं, ये राशन दे रहे हैं, राशन के सहारे ही नहीं जीवन बिताया जा सकता, राशन ही देना, राशन तो आदमी वैसे ही कमा लेता, लेकिन रोजगार बहुत ज़रूरी है ना, तो ये मतलब किसी भी वैकेंसी नहीं निकल रही, बच्चे युवा सड़कों पर घूम रहे हैं, ठाली घूम पढ़ाई करके मतलब घर बैठे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई ऑफर वो नहीं निकल रही, भर्ती वगैरह जी, जो भर्ती निकल रही है वो भी लीक हो रही है, न्यूज़ कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ कोरोना की वजह से बंद हो जाते हैं, इसलिए पेपर नहीं हो पा रहे, बच्चे घर पर ठाली बैठे हैं जो पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सी क्लास में आप? मैं बीए कर रहा हूँ जी। बीए कर रहे हैं, बीए करने के लिए आप यहाँ से कहाँ जाते हैं? मैं मोदीनगर जाता हूँ जी। मोदीनगर जी,
देखिए मोदी नगर की जो यहाँ से लेंथ है वो काफ़ी दूर तक है, देखने वाली बात ये है, क्या लगता है कि आने वाले प्रत्याशी से क्या डिमांड रहेगी आपकी? डिमांड ये कि एक अच्छा सा डिग्री कॉलेज हमारे भी एरिया में हो, जो ज़्यादा जो मतलब लड़कियाँ हैं दूर नहीं भेज सकते, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों के आस पास ही रहे, एक डिग्री कॉलेज हमारे छोटा सा जो मतलब नॉर्मल डिग्री कॉलेज है वो हमारे इलाके में होना ज़रूरी है। ये देखे कोई ना जात की ना पात की, लेकिन चीज़ें जो आ रही हैं वो शिक्षा को लेकर आ रही है। आपका नाम क्या है? अजय पाल जी भाव जी, आप काफ़ी समय से मतलब के गांव के चीज़ों को देख रहे हैं, काफ़ी लोग आते भी हैं, क्या लगता है इस बार किसका सबसे ज़्यादा जोर रहेगा? हमें तो आरएलडी का दिखाई दे रहा है। आरएलडी का? हाँ। अच्छा, आरएलडी के प्रत्याशी से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, क्या बातचीत रखेंगे आप अगर रखने चाहें तो? हम तो उम्मीद उनसे पहले ही उनके दादा वाली उम्मीद लगा रहे हैं। अच्छा, जो उनके बाबा ने काम करा किसानों के लिए वही काम वो करेंगे। अच्छा, जो भाजपा सरकार कहती है किसानों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं सारी चीज, इन्होंने इतना बढ़िया विकास कराया किसानों का तो कि खाद पे पैसे घटाए इन्होंने, पैसे तो घटाए 50 रुपए और खाद घटा दिया 10 किलो और तेल है 85 के करीब, लेकिन किसान 102 पहुंच गया था, अब घटाया चुनाव के टाइम पे, क्या और इससे ज्यादा विकास हमारा क्या करेंगे ये? तो ये तो मुझे बाबूजी ये बताइए, 3 कानून को लेके किसानों ने धरना दिया था, पूरा आंदोलन चला बड़ा बेहतरीन तरीके से, भाजपा ने बैकफुट पे ले लिया, यूपी चुनाव को देख के तो नहीं लिया कभी किसान? यूपी चुनाव को तो लेकर करा ही है। तो आप किसान साथ देंगे भाजपा का? हाँ, भाजपा का नहीं देवे, नहीं देवे बिल्कुल। अच्छा। चलिए, आपके मुद्दे भी हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रईस खान है। अच्छा, रईस खान साहब, क्या लगता है आप देखते हैं गांव की चीज़ों को देखकर, गांव में विकास के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपना सुरक्षा के लिए, बच्चे आपके यहाँ से मोदी नगर जाते हैं जो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर बैठता है, तो कुछ डिमांड होती है प्रत्याशी को लेकर आ गए? भैया डिमांड तो यही है, बस क्षेत्र में विकास होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान हो, 2 साल से बच्चे अपने घर बैठे हैं, पढ़ाई डिगाई नहीं, डंडा खेल रहे हैं, कंचे बजा रहे हैं बच्चे, तो वो तो कोरोना वाले भी मैटर हो सकता है। अजी कोरोना के अब भी स्कूल बंद है, अभी कौन से स्कूल खुले पड़े हैं भाई, अभी बच्चे बिल्कुल ठप हो गए, पढ़ाई खत्म होगी। कोरोना जब स्कूल खुलता जब तो कोरोना जाता है, और जब चुनाव आता है जब कोरोना भाग जाता है। जहाँ जहाँ बीजेपी वाले अपना वो दिखाते हैं, एक बार अपना हमारा बल है, हम इतने ही आदमी इकट्ठे हुए हैं, वहाँ कोरोना नहीं रहता, वो कोरोना उनके पास में मंत्र है उसका लिए। अच्छा, मंत्र है। मेन चीज जो है सबसे बड़ी, क्या क्या लगता है सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे हो सकता है? भैया पढ़ाई लिखाई पे और रोजगार पे फोकस होना चाहिए बस, बाकी ये जो चीजें आती हैं आप देखते भी हैं, चुनाव में सबसे ज्यादा देखी जाती है जात की, मुस्लिम और जाट, ये सारी यहाँ कोई जात पात नहीं है, यहाँ विधायक क्षेत्र में ऐसा चाहिए जो भाई भाईचारे के साथ काम करे और क्षेत्र का विकास करे। ये तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जात पात का सब एक चीज साइड होती है। बाबूजी आप बोलेंगे? जी तो सरकार एक चीज बोलूँगा है जी, एक चीज बोलूँगा, एक सेकंड चुप हो जाइए, बोल रहे हैं। सरकार बढ़िया चल रही है। हाँ। विकास 2 पैसे का नहीं। अच्छा, आज तक हमारे गांव में सांसद या विधायक आकर झांका हो, किसी चीज का पूछा हो है ना, अब तो दौरा कर रहे हैं ना विधायक जी, अभी तो कर रहे हैं, दौरे से फायदा क्या है, अब तो हर आदमी फटी कुकर है। अच्छा, फटी कुकर है। अच्छा, हम तो फटी कुकर है, सिलेंडर भैंसो 1000 रुपए का, नहीं सिलेंडर 1000 रुपए का है जी, सिलेंडर 1000 रुपए का, तेल 202 रुपए का, चीनी 42 रुपए, खाने पीने की चीज जो बताए जी मर रही है, ये घटा काय पर है भैया, हमें बताओ, इस चावल पर गेहूं भी भका रहे हैं लोगों को। आज बजट दिया है, बजट में कहा किसानों के लिए भरपूर है, किसान ही है, एक बात बताओ, सब किसान ही है, 90% किसान, 10% किसान है, 90% पब्लिक है, है पब्लिक के लिए क्या, गरीबों के लिए है? पहले सुनो, पहले सब्सिडी दी मोदी ने, दी उस सब्सिडी कहाँ चली गई भैया, और अब फिर जो है अब किसानों को 6000 रुपए दे रहा सालाना, ये लाला इलेक्शन के बाद में ये भी कट जाऊंगे। अच्छा, हाँ, ये पक्का कंफर्म है, पक्का 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 कंफर्म है। जी भैया, बजट पेश करने से कोई बात ना बनती है, बजट पेश कर दिया उससे क्या होएगा, चलो बजट को पूरा तो करो, उसे बजट पेश कर दिया, बजट इतना बड़ा बना लेंगे। कहा है कि MSP पे जो किसानों ने डिमांड रखी है उसी पे वो उनकी फसल ली जाएगी,
और MSP तो फसल ले लेंगे, फिर देंगे किस रेट ये? हम मान लिया ये राशन दे रहे हैं, कोई राशन देने से समाधान हो जाएगा? ये देश पीछे जा रहा है, ये नीति गलत है। ये क्या कर रहे हैं? राशन दे रहे हैं, राशन खा लिया लोगों ने, फिर उसमें क्या है, क्रिया शक्ति तो घट रही है लोगों की। जब क्रिया शक्ति घटेगी तो रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए था, रोजगार युवाओं को रोजगार मिलो, वे अपनी रोजी रोटी अपना। देखिए सबसे बड़ी जो डिमांड आ रही है वो किसी चीज की नहीं है, राशन तो ये खुद भी कमा लेंगे, सबसे बड़ी चीज जो डिमांड है वो रोजगार को लेकर है। जी अरे भैया तुम एक बार बताओ, तुम राशन फ्री क्यों दे रहे हो? अरे राशन मोल का दो, तुम रोजगार तो दो, आदमी का पास पैसा है तो सब कुछ खरीद लेगा वो, राशन से क्या हो रहा है बताओ, क्या होगा? अबे रोजगार दो। जी 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 राशन अभी ये 2 महीने से कहां से आ गया, ये इतना जो 5 साल से नहीं आ रहा था, ये चुनाव चुनाव में बकाने के लिए बात नहीं है तो शायद क्योंकि उस पे नमक की पैकेटों पे मोदी योगी का फोटो सारी प्रचार है, प्रचार वो अपना प्रचार है, प्रचार है जी, प्रचार है, लेकिन राशन का कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है किसी को राशन में, क्या हो रहा भाई साहब? 5 किलो राशन में गुजारा होगा आदमी का, 1 महीना जो चलेगा? अरे रोजगार होगा तो सब कुछ होगा, बगैर रोजगार कुछ नहीं है भाई। ये तो बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि रावली की जो जनता है वो ना जात ना पात, सबसे पहले चाहती है रोजगार, और रोजगार की डिमांड को लेके सबसे साफ तरीके से बोल दिया है कि जो भी विधायक या मौजूद प्रत्याशी इनकी डिमांड को लेके इनके यहाँ कॉलेज के इनके यहाँ कॉलेज अस्पताल और सुरक्षा को लेके रखेगा सबसे पहले नंबर पे, ये देंगे उसी का साथ। रिजवान अंसारी के साथ अफशार उलक, प्राइम मीडिया न्यूज गाजियाबाद। एक बात और